नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं मायावती और आकाश आनंद की। जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद की एंट्री कराई थी, माना जा रहा था कि मायावती की पार्टी को एक नया आयाम मिलने वाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो सारी बातें निकल कर सामने आ रही थी, अब उस पर कहीं ना कहीं एक विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मायावती का एक पोस्ट अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सनसनी का कारण बना हुआ है। उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। अब ऐसे में मायावती का नया उत्तराधिकारी कौन होगा, या मायावती अपने वोट शेयर या अपनी पार्टी को किस तरीके से बचाते हुए नजर आएंगी, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मायावती ने सडन ये इतना बड़ा फैसला लिया, तो इस पर क्या वजह हो सकती है कि जिस तरीके से मायावती ने ये फैसला लिया, क्या वो चंद्रशेखर आजाद को मौका देना चाहती है या किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है? देखिए माही, बिल्कुल पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मायावती ने जिस तरह का फैसला किया है उसकी उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि देखिए अपने भतीजे को जिस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिस तरह से कह सकते हैं पब्लिक के बीच भेजा कि जाइए आप रैलियां करिए, आप तमाम लोगों से कम्युनिकेट करिए, ये भी अपने आप में बड़ा फैसला था, क्योंकि आकाश आनंद को इससे पहले पॉलिटिकल अनुभव उतना नहीं है। हाँ, जब तक वो कह सकते हैं मंचों पर नजर आते रहे, लेकिन इस तरह से बोलने का अनुभव उनके पास नहीं था। लेकिन मायावती ने जिस तरह से उनको आगे किया, उनको लगा कि उनकी कह सकते हैं परंपरा को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर यही चूक हो गई, जिस तरह से आकाश आनंद ने शब्दों का चयन किया है, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, अमर्यादित है, और तमाम तरह से जितनी उसकी आलोचना हो सके वो कम है। यही वजह थी कि मायावती को फिर एक्शन लेना पड़ा कि भाई फिलहाल आप जो है घर में बैठिए, वहां पर रहना आपके लिए जरूरी है, आपके पास अनुभव नहीं है। हालांकि जज्बात आपके पास जरूर है, आपके पास जरूर पार्टी के लिए काम करने का एक जज्बा है, लेकिन आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो राजनीति के लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ मायावती की बात क्यों, अगर हम देखें अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के बड़े नेता है, किस तरह दिल्ली में खड़े होकर अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? इसके अलावा हम देखते हैं जो बीजेपी के मनोज तिवारी हैं या फिर प्रवेश वर्मा थे या कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिनके ऊपर सख्त एतराज होना चाहिए, लेकिन बीजेपी उनके ऊपर कदम नहीं उठाती। लेकिन मायावती ने जिस तरह से तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आकाश आनंद के ऊपर ये फैसला किया है, वो अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जाएगा। और जाहिर बात है कि हर पार्टियों को सोचना चाहिए कि जो भी नेता इस तरह की बेफजूल की बातें करता है, इस तरह की जो बातें करके कहीं ना कहीं खुद के लिए एक लाइमलाइट में लाने का प्रयास करता है, वो कतई पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसको तुरंत बाहर करना चाहिए या फिर पाबंदी लगानी चाहिए। कम से कम आकाश आनंद के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके मायावती ने इस चीज को तो कहने के आगे बढ़ाया। भाई अगर बात करें कि क्या मायावती कोई बड़ा कदम इसके उठा सकती है, क्योंकि उनको भी एक सहारा चाहिए, मायावती उतनी रैली नहीं कर पाती है, धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है, और साथ में जो पॉलिटिकल कह सकते हैं तौर पर जिस तरह से उनको एक्टिव रहना चाहिए वो उस तरह से एक्टिव नहीं रह पाती, तो अब कौन से चेहरे पर वो कह सकते हैं कि भरोसा कर सकते हैं, कौन से चेहरे को आगे बढ़ा सकती है, क्या वो चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं? देखिए इस बात को लेकर चर्चा इसलिए भी है कि आज़ाद ने खुद कहा था कि वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, और आज़ाद ने कभी भी मायावती के खिलाफ कोई बदजुबानी का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मायावती मुझे बुलाएंगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज़ाद है वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़े थे पहले भी, कि जो संघर्ष के जरिए आगे बढ़ता उसको मौका देना चाहिए। जिसने संघर्ष ही नहीं किया हो, जिसने कह सकते हैं कोई उसके पॉलिटिकल अनुभव ही ना हो, उसको आप एक तरीके से पार्टी की चाबी सौंपते हैं, सत्ता की चाबी सौंपते हैं पार्टी की, वो कहीं ना कहीं गलत है और वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि आज़ाद ने खुद का नाम लेते हुए कहना कि मायावती को सुझाव दिया था कि अगर वो उनको बुलाएंगी तो वो बीएसपी को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब क्या वो टाइम आ गया है, अब क्या वो समय आ गया है कि मायावती आज़ाद को बुलाएंगी कि भाई आप आइए, आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी मिलकर एक हो जाते हैं और जो दलित वोट बैंक की राजनीति है उसको हम एक साथ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 22 से 23% वोट कह सकते दलित समुदाय से आते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आज़ाद और मायावती मिल जाते हैं तो ये 22-23% जो वोट है वो एक तरफ हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा इसको लेकर तमाम सारे कयास उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम कयास हैं कि दोनों साथ में आएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आना होता तो मायावती पहले ही हो सकता है ऐलान कर चुकी होती, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और ये भी जानने को मिलता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद कभी मिले भी नहीं है, तो अब ऐसे में क्या वाकई में वो मिलते हैं या फिर किसी और को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, और वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी से निकाल कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए आकाश आनंद की कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने
भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकौड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकौड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को बड़ा आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समय लटका है इतनी तेज तेज धूप में। आप हमें यहाँ सुनने आए हैं, हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तह दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तह दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं जोश जोश में पार्टियों को निशाना बनाते बनाते अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या वाकई में अब आकाश आनंद के फिर से एंट्री हो पाएगी या फिर उनकी जो कमान है अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उस जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे? अगर नजर आते हैं तो क्या ये पार्टी फिर से अपने मुकाम को छू पाएगी जो मायावती अपने पहले पुराने दौर में हुआ करती थी, जिस तरीके से दलितों के ऊपर उनका दबदबा माना जाता था, क्या वो दबदबा फिर से दोनों मिलकर कायम कर पाएंगे? आप इस बात की प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।